खबर मध्य प्रदेश के एक जिला से है, जहां एक पत्नी के द्वारा अपने पति और सरकार से बेहद बड़ा धोखाधड़ी किए गए। धोखाधड़ी ऐसा कि पति जीवित रहा, पत्नी के द्वारा पति का मरा बताया दीनगा और 10 साल तक वह लाभ ली इस विधवा पेंशन के, साथ मां बीपीएल कार्ड वगैरह कई थे। गलत जानकारी हुआ जो है सरकार तक पहुंचाई, जोने के चलते जब पति जानिस कि ओकर मेहरिया ओहिन के जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए ही सी, तो ओकर बिल्कुल पैरन तले वो जमीन खसक गए। ओके बाद शिकायत पहुंची थाना और यह फर्जी पत्नी जो अपने पति के मरा जो है कहा जाए मार डाले रही कगजन मा, वह पहुंच गए सलाखन के पीछे। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल हम करे तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे या फर्जीवाड़े की खबर की, जहां अपना पति बताया दी मध्य प्रदेश के सागर में एक पत्नी के द्वारा पति और सरकार के साथ बड़ी धोखाधड़ी की गए। ओके द्वारा कगजन मां पति का मरा बताया दी गया, 10 साल तक विधवा पेंशन ले रही महिला के द्वारा फर्जी दस्तावेज बनवाए गए, बीपीएल कार्डों में हेरा फेरी की गए और पति का जैसे ये बात के पता चला तो ओके द्वारा फर्जीवाड़े का खुलासा कर दी गए। ये मां पुलिस के द्वारा पत्नी के जो है पुलिस से पत्नी की शिकायत की गए और पुलिस के द्वारा महिला के खिलाफ कई गंभीर धारा में मामला दर्ज कर दिया गया और उनका जेल भिजवा दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला समीम राइन केशवगंज के जो है बाढ़ के रहने वाली है। साल 2001 में होकर शादी अशोक नगर के अख्तर खान से भय रही। शादी के बाद पति पत्नी सागर में रह लगे। कुछ समय बाद दोनों के आपस में नहीं बनी और पारिवारिक विवाद बढ़त का ऐसे तंगाई के अख्तर जो है अशोक नगर वापस चला गया। पुलिस के द्वारा अख्तर का बतावा गया कि अख्तर के द्वारा साल 2017 में अशोक नगर में पत्नी समीम के खिलाफ मामला दर्ज करावा गया। अपना बच्चे बताया दी कि ओ मां पुलिस के द्वारा बतावा गया कि उनका पत्नी के द्वारा फर्जी दस्तावेज बनवाए लेंगे है, सरकार के योजना के गैर कानूनी लाभ ले रही है। एक बात पुलिस के द्वारा जो है पुलिस में जब यह बात की शिकायत भय तो सागर के गोपालगंज थाना में यह शिकायत पहुंची। पुलिस के द्वारा जाँच की गए तो समीम के खिलाफ लगे आरोप सही साबित हो लगे। पुलिस के द्वारा उनके खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई अच्छे धारण में केस दर्ज किया गया है। प्रवचक बता दी पुलिस के जांच में पता चला कि आरोपी महिला सागर में साल 2011 में अपने पति का जो है मृत घोषित कर दी। महिला के द्वारा पति के अनीस खान नाम बतावा गया। उनके द्वारा अनीस के फर्जी मृत्यु कार्ड मृत्यु प्रमाण पत्र जो है बनवाए के 2012 में विधवा पेंशन योजना अपने नाम जो है जोड़वा लिया रहा है। इतने नहीं उनके द्वारा फर्जी बीपीएल कार्ड बनवावा गया और पुलिस के द्वारा जांच की थी जब अख्तर खान और अनीस खान के फोटो मिलावा गया तो वो एक जैसा रहे। अख्तर के नाम अनीस जो है लिखा रहा, पुलिस के द्वारा एक जानकारी निकाली गई तो वह जिंदा निकला और अशोक नगर में रह रहा। एक बात पुलिस के द्वारा समीम का जो है गिरफ्तार के लिए इनका तो निश्चित तौर पर कहा थे ना कि कौनो अपराध की उम्र जो होती बहुत लंबी नहीं हो, ठीक है जब तक उम्र और कहा जाए कि मतलब जब तक कौनो जुर्म जो है छुप जाए तब तक ठीक, और जब वह उखिरिया था तो निश्चित तौर पर यह में जब सही जगह माँ वह अपराधी पहुँच जात है और सही दंड के वह हकदार है। जो एक शादी संबंध ऐसा होते कि दिल से जुड़े होते किंतु तो सोची जियत जियत अपने पति का जो मेहरिया मारदार है तो वह सोची कौ में मेहरिया हो, तो हाल ही है भा वह मेहरिया पहुँच चुकी है सलाखन के पीछे। तो आप बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद।